स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु अधातु का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा यहीं से आएगा, जो भी बताएंगे उससे, ठीक है। तो चलिए, बर्मा प्रेस का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन दिखा रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको बताते चलेंगे कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार सभी क्वेश्चन को हम रिविजन करा दे रहे हैं, बाकी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बताते चलेंगे, उसको एकदम 100% याद कर ही लेना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता क्या है और उदाहरण समझाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है। धातु को हथौड़ों से पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। धातु की इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे सोना चांदी को पीट करके पतला चादर बना सकती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है, क्यों? तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर गतिशील हो जाता है। इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जो कि प्रकाश को लेता है और गतिशील हो जाता है, जिससे उसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसलिए धातु की सतह प्रकाश के परावर्तित कर देती है, जिससे धातु की सतह चमकदार दिखाई देती है, ठीक है। यह क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन है, कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर ही लेना है, ठीक है। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करता है, उन्हीं को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो को उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण। अगला क्वेश्चन, जब कोई धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस सदैव उत्पन्न होता है? हमेशा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, और इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए, जिंक को अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से अभिक्रिया कराए तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये भी एक VVI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम अभिक्रियाशील धातु है, बहुत अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा में स्वतः जलने लगते हैं, हवा जल जाएगा, और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, यानी हवा में रखेंगे, ऐसे रखेंगे खोले जाए तो आग लग जाएगा, ठीक है। देखिए, सोडियम और ऑक्सीजन यानी हवा में रखेंगे तो ये Na2O सोडियम ऑक्साइड बन जाता है और आग लग जाता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक के आयरन है सल्फाइड, जिंक के आयरन सल्फाइड के विलयन डालने पर क्या होता है? तो इसके रासायनिक अभिक्रिया लिखना। जिंक में आयरन सल्फेट के घोल डालने से आयरन विस्थापित हो जाता है और जिंक सल्फेट का घोल बन जाता है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया इसमें होता है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में, आयरन सल्फेट है उसमें जिंक डाल दिए, देखो ये FeSO4 आयरन सल्फेट और ये जिंक डाल दिए, तो ये क्या करेगा? जिंक Fe को जाकर लात मार के भगाएगा, बेचारा Fe भाग बाहर, SO4 से खुद सेटिंग कर लेगा, ZnSO4 बन जाएगा जिंक सल्फेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। जल के साथ किधर गया? जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो जल से कैल्शियम का अभिक्रिया होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, पोटेशियम से करेगा तो कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, देख लीजिए समीकरण। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है, क्यों होता है वो बताना है। तो आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, दोनों उच्च होता है, क्योंकि मजबूत आंतरिक आयन अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। चैप्टर पढ़ाएं उस समय बहुत बेहतरीन तरीके से बोर्ड में समझाएं, बस अभी क्वेश्चन रिविजन करा दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन किधर हो जाता है? हाइड्रोजन एक अधातु है, फिर भी उसे सक्रियता श्रेणी में जगह दिया गया है, क्यों? तो धातु की तरह हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ये धातु की तरह, तथा धन आयन बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन को सक्रियता श्रेणी में जगह दी गई है ना। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट VVI आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखे थे। ये प्रायः हवादार, ठोस और थोड़े कठोर है, क्योंकि धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इनके गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। ये प्रायः जल में घुलनशील होता है, तथा कार्बनिक घोलक को जैसे किरोसिन, मिट्टी तेल जिसको बोलते हैं, पेट्रोल, बेंजीन, ये सब में अघुलनशील होता है, ठीक है, पानी में घुलता है, बाकी में नहीं। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन पानी में घुलन रहेगा तो विद्युत का चालन करेगा, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मिट अभिक्रिया VVI क्वेश्चन, किसे कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया वो बताना है और दो उदाहरण लिखना है। देखिए, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया,
आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया करा दें, आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराते हैं जो कि जिससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है, इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये समीकरण लिखिएगा, उसके बाद इसका उपयोग रेलवे ट्रैकों को जोड़ने में किया जाता है और क्षारयुक्त मशीन के पुर्जों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन देखिए, घुमा कर पूछ दिया कि रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक एक्स तथा एल्युमिनियम का उपयोग होता है, तो आयरन और ऑक्साइड है ना, एक्स यौगिक की पहचान कर लेता है, आयरन ऑक्साइड हो गया एक्स यौगिक, और अभिक्रिया का नाम देता थर्मिट अभिक्रिया, और इसका समीकरण लिखा, अभी समीकरण बताया था। उसके बाद धातु क्रम कर्म किसे कहते हैं, अयस्क से धातु का निष्कासन निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के परिक्रम को धातु कर्म कहते हैं। भर्जन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और निस्तापन, तो भर्जन क्या है, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, कौन, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है, और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, है ना। सल्फाइड अयस्क ZnS ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ऑक्साइड बन जाता है, यानी जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा। निस्तापन क्या है, तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड बदल जाता है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ज़्यादा ताप पर, इसको कार्बोनेट अयस्क, वो जिंक अयस्क में निस्तापन और भर्जन में जिंक अयस्क और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क, और वाष्पशील अशुद्धियाँ निकल जाती है इस पर, बस दोनों में फर्क यही है कि इसमें कार्बोनेट अयस्क उसमें जिंक, जिंक देखो कार्बोनेट अयस्क जिंक कार्बोनेट और वो सल्फाइड अयस्क था ZnSO4 और रिएक्शन। खनिज और अयस्क अंतर पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिकों को खनिज कहते हैं, अयस्क है तो वे खनिज जिनमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं उसे अयस्क कहते हैं ना, जो ऐसा खनिज जिसमें धातु ज़्यादा होता है आसानी से निकाल सकते हैं उसको अयस्क कहते हैं। खनिज में फिर लिखिएगा, सभी खनिजों से धातु का निष्कासन नहीं हो सकता लेकिन सभी अयस्कों से धातु का निष्कासन हो सकता है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है क्योंकि अयस्क खनिज का ही रूप है। ठीक है, भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, तो अभी वो देख लिए थे दोनों को। संक्षारण को परिभाषित करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संक्षारण से बचने का दो उपाय भी लिखना है, तो वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातु का परत बन बनकर नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है, इसका बचाने का उपाय है या सदलेपन यानी जिंक का परत चढ़ा देते हैं लोहा में ताकि जंग न लगे, पेंट कर देते हैं ताकि जंग ना संक्षारण ना हो। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, संक्षारण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी संक्षारण कोई चीज़ हो रहा है उसके लिए क्या क्या जरूरी है, संक्षारण होने के लिए वायु की उपस्थिति, नमी, जल की उपस्थिति और अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, तीन चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, या सदलेपन पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, सब बना सकते हैं सब क्वेश्चन को। हाइड्रोजन एक अधातु फिर भी उसे सक्रिय धारे में जगह दी गई थी, तभी बताए थे ये क्वेश्चन। मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, मिश्र धातु का नाम बताना है और उसका उपयोग, तो किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, मैंने धातु को धातु या दो धातु और अधातु मिला दिए एकदम समांगी मिश्रण बना, ऐसा मिला पते नहीं चलेगा कि मिल का है ना, तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। जैसे इस्पात, स्टील जिसको बोलते हैं, स्टील जमीन से थोड़ा निकला है, लोहा और जिंक का ये है, टीन और जिंक, पीतल बर्तन का निर्माण है ना, अरे इस्पात बहुत सारा निर्माण होता है उसका। मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है, तो पहले मूल धातु को गलित अवस्था में पूरा गला दिया जाता है तथा तत्पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में उसमें विलीन मिला दिया जाता है, फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलन के लिए यानी ठंडा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, वह मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, धातु निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्यों, तो किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल लेना चाहिए। तांबे को विद्युत अवघटनीय परिष्करण में, तांबे को आप एनोड और कैथोड को विद्युत अवघट किसे कहेंगे, तो एनोड अशुद्ध तांबे की छड़ क्या एनोड कहते हैं, और कैथोड क्या है, तो शुद्ध तांबे की छड़ को कैथोड कहते हैं, और विद्युत अवघट क्या है, कौन है, तो धातु के लवण विलयन कॉपर सल्फेट को विद्युत अवघटय कहेंगे, है ना। उसके बाद एक ये क्वेश्चन देखिए, गर्म
जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहा का नहीं, कारण बताना है। तो तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, तांबा जल से नहीं, इसलिए गर्म जल का टैंक हमेशा तांबा का बनता है। इसलिए लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लोहा रहेगा तो भाप से अभिक्रिया करेगा, पानी है गर्म रहेगा तो भाप बनेगा, भाप से अभिक्रिया कर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है ना, लेकिन लोहा अर्थात इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है। तांबे में मलिन बर्तनों में, तांबे के मलिन बर्तन नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है। तांबा का जो बर्तन होता है, देखे होंगे, नींबू या इमली का रस से साफ करते हैं, यानी खट्टा चीज से। क्यों? तो तांबा पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत चढ़ जाती है, क्षारक पड़ जाता है, क्षारक को अम्ल से करेंगे तो हट जाएगा, उदासीन हो जाएगा ना, उसका रंग मलिन हो जाता है। जब तांबे में मलिन बर्तन, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, तो नींबू या इमली की उपस्थिति में अम्लीय पदार्थ क्षारक कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है, जिससे बर्तन साफ हो जाता है और चमकने लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इनपुट है। आगे उसमें और लिख सकते हैं, खट्टे पदार्थ क्षारक कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है, इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है। प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो प्लेटिनम सोना और चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता, अभिक्रियाशील अभिक्रिया नहीं करता किसी चीज़ से, संचालित नहीं होता जल्दी, तथा ये संचालित नहीं होते, इनकी चमक भी तेज होती है, अतः इनका उपयोग आभूषण में बनने किया जाता है। ठीक है, चलिए दीर्घ उत्तर में अगर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में अगर पूछे तो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, धातु अधातु में कोई दो भौतिक और दो रासायनिक अंतर लिखे। धातु अधातु दो गो भौतिक और दो रासायनिक अंतर, तो भौतिक गुण के आधार पर अंतर देखते हैं। धातु अधातुवर्ध एवं तन्य होते हैं, अधातु अधातुवर्ध एवं तन्य नहीं होता है, ये भंगुर हो जाता है। धातु में ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, बल्कि अधातु कुचालक होता है ना। और रासायनिक देखेंगे अंतर, तो धातु विद्युत धनात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज इसमें होता है, अधातु ऋणात्मक होता है, माइनस चार्ज होता है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाता है, और अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा, अभिक्रिया कर ऑक्साइड ऑक्साइड खाली बनते ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म आधार पर विभेद लिखे, तो ये तो हो गया, ये सब लिख सकते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं, यह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। सोडियम तथा क्लोरीन परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना लिखे, ये रासायनिक आबंध कैसे बनाते हैं, इस प्रकार बने आबंध के प्रकार का नाम लिखे। तो सोडियम और क्लोरीन का लिखना है, तो सोडियम देखिए 11 नंबर में आता है, 2 8 1 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और क्लोरीन 17 नंबर में आता है, तो 2 8 7 हो जाएगा। तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको दिखाते हैं, तो एक है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 को दिखा गया। ठीक है, अब इसमें देखिए आबंध कैसे, बॉन्ड कैसे बनता है। तो सोडियम के पास एक वो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, और क्लोरीन के पास 7 वो लास्ट वाला है, 8 को करना रहता है। तो सोडियम के पास कहेगा हमारे पास एक वो एक्स्ट्रा पड़ा लेते, दे देते हैं, उसका काम आ जाएगा, उसका पूरा हो जाएगा, तो ये इसको दे देता है। ठीक है, तो देता है तो प्लस चार्ज हो जाता है, सोडियम में क्या हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए प्लस चार्ज। तो क्लोरीन का किया उला इलेक्ट्रॉन जो निकला था उसको देखिए क्लोरीन में प्लस हो जाएगा, मैंने जुट जाएगा, ले लेगा, तो ले लेगा तो क्लोरीन पूरा बन गया 288 का, और सोडियम हो गया 28 का। ठीक है, उसी को यहाँ पे दर्शा देना है, देखिए तीर के निशान से कि Na का वो प्लस वहाँ चल गया, तो Na प्लस बन गया और क्लोरीन माइनस हो गया, कहे क्लोरीन लिया लिया, अब तो भीख मंगा मतलब माइनस। ठीक है, तो NaCl इस तरह से बनता है। अब इसको थोड़ा सा लिख दीजिएगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस आयन, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Cl प्लस, यहाँ निकले प्लस आयन बना माइनस आयन है ना, माइनस आयन Cl माइनस आयन बनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर आयनिक विधि द्वारा NaCl का निर्माण करते हैं, इस प्रकार बने आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनिक आबंध। चलो इसमें भी वही चीज़ दिखाना है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O सोडियम ऑक्साइड की रचना दर्शाई थी। Na में देखो एगो इलेक्ट्रॉन वही, और ऑक्सीजन में 2 6 होता है, यानी इसको 2 की जरूरत है, तो Na 2 गुना है, Na का एगो 2 है, तो एगो ई वाला Na और एक और Na है वहाँ का एगो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों दे देगा तो 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देखिए 2 Na है, दोनों में कक्ठो है एक्स्ट्रा, तो दोनों दे देगा एक कक्ठो, इसको कहेगा ऑक्सीजन चल बहुत बढ़िया, हमारे पास 6 था 2 आ गया, तो 2 भी महंगा हो गया, यानी 2 माइनस, और Na
टू में प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एम जी ओ का देख लीजिए, बना लीजिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा बनाने का, सर एम जी सी एल टू का, ठीक है, इसको एक देख लीजिए। चित्रात्मक प्रश्न में आवेंगे तो इस तरह से एक चित्र रह सकता है। चित्र में पूछेगा ए ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, उसमें क्या होगा? तो देखिए 1 में ये वाला, ये धातु का छड़ है, 2 छड़ का खुला सिरा, देखिए खुला सिरा ये वाला है, दूसरा नंबर ये खुला सिरा है छड़ का, और तीसरा नंबर में जो है, तीसरा नंबर क्या है, यहाँ पे मोम है ना, और कांटी या पिन है चौथा नंबर में यहाँ पे, और बर्नर है पाँचवा नंबर में, है ना। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, चित्रात्मक वाला देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट था बता दिए इस चैप्टर से, उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, काम का लगा हुआ तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।